हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 21-23 का कोर्सेट जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका एग्जाम जो गेस किए थे एकदम हूबहू वही टाइप का क्वेश्चन आपका आया है। आइए बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया। देखिए अभी आपका C9 C10 और C11 यानी ऑप्शनल पेपर उसका एग्जाम बाकी है। अभी भी कोई लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको मिल जाएगा 9576004401 पर, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम सीएट आपका मेथड का भी गेस की तो वो भी आपका आया था। देखिए सेशन 21-23 हो गया। क्वेश्चन है पहला कि ज्ञान सृजन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी ज्ञान सृजन या इसी को ज्ञान का रचना भी कहते हैं। ज्ञान के रचना से आप क्या समझते हैं या ज्ञान के सृजन से, बात वही है। तो ज्ञान के सृजन या ज्ञान की रचना से क्या अभिप्राय है, ज्ञान सृजन में अध्ययनकर्ता की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान के विभिन्न पहलू क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 का क्वेश्चन है, ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये भी गेस किए थे, दोनों बताए हुए थे, समझ गए। एक नंबर क्वेश्चन दो नंबर दोनों बताए हुए थे और तीन नंबर भी बताया कि ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और स्कूली शिक्षा में चयनित ज्ञान श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में, क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसे महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ देखें। कि जब कोर करिकुलम तो गेस सर्वे किए थे कि कोर पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, कोर पाठ्यक्रम की कोई दो मूलभूत विशेषता लिखिए। अब आते हैं यूनिट 4 में, उपयुक्त उदाहरणों है तो उदाहरण देते हुए पटचर्या के विविधता के सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक भौगोलिक आर्थिक पहलुओं की प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित पटचर्या से आप क्या समझते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित पटचर्या की विशेषता का वर्णन करें, समझ गए। ये आपका अप्रोच करिकुलम अप्रोच से क्वेश्चन है आपका। अब यूनिट 5 में आते हैं कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, पटचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, शिक्षक पुस्तिका, विषय केंद्रित पटचर्या, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव और तकनीकी संसाधन गैस के भी आपका आया हुआ है, समझ गए। तो ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप लोग लिख दिए होंगे, समझ गए। तो चलिए हम लोग जो भी लोग होंगे और नोट्स लेना होगा तो ले लीजिएगा, समझ गए। अभी C9 C10 C11 का एग्ज़ाम बाकी है, मेथड और C8 का एग्ज़ाम हो गया। थैंक यू।